हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है रसभरी। रसभरी का एक पौधा है जो खेतों में खरपतवार के रूप में उत्पन्न होता है। ये लगभग सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। ये मकोई की ही एक प्रजाति है, कहीं कहीं इसे मकोई भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे चिरपोटी कहते हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पटपोटनी से जाना जाता है। गुजराती में इसे पोपटा कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम केप गुसबेरी और गोल्डन बेरी भी है। इसका वैज्ञानिक नाम फिजिलिस पेरुवियाना है। दोस्तों, पता नहीं कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते होंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसकी सही पहचान है कि इसके फलों के ऊपर एक पतला सा आवरण होता है और इस आवरण को हटाने पर अंदर से एक मटर के समान गोल आकार वाला फल होता है, जिसको तोड़ने पर अनेक छोटे छोटे बीज निकलते हैं। ये फल जब कच्ची अवस्था में होते हैं तब हरित वर्ण के यानी हरे होते हैं और ये जब पक जाते हैं तब पीले या नारंगी रंग के हो जाते हैं। ये फल स्वादिष्ट और खट्टा मीठा होता है। इसके पक्के फलों को छोटे बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं। दोस्तों, ये पौधा लगभग सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है और खेतों में खरपतवार के रूप में पाया जाता है। ये आमतौर पर किसानों के लिए सिरदर्द के समान होता है। दोस्तों, ये रसभरी का पौधा आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाता है और कई प्रकार की बीमारियों को नष्ट करता है। दोस्तों, ये छोटा सा पौधा अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ ही इसकी पत्तियों में कैरोटीन नाम का तत्व पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये तत्व शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है और कई प्रकार के रोगों को दूर करता है। तो दोस्तों, आज हम रसभरी के गुण और फायदे के बारे में बात करेंगे और इसके उपयोग के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, सालों से रसभरी का उपयोग औषध कार्य में किया जाता है। औषध कार्य में इसके पूरे पंचांग का उपयोग किया जाता है। पंचांग यानी इस पौधे की जड़, तना, फूल, पत्ती और इसके फल। ये पौधा पेट की पाचन शक्ति बढ़ाता है। इसकी पत्तियों को एक गिलास पानी में उबालकर पकाए, जब आधा शेष रह जाए तब उतार कर छान कर ठंडा होने के बाद पी जाए। इस काढ़े का रोजाना सेवन करने से पाचन शक्ति तेज बनती है, इससे भूख बहुत बढ़ती है तथा अजीर्ण मिटता है, गैस अपहरा दूर होता है। दोस्तों, इस काढ़े का रोजाना सेवन करने से यकृत मजबूत बनता है, इससे पेट के कई रोगों का शमन होता है। दोस्तों, ये पेट से संबंधित कई बीमारियों को दूर करता है। ये बवासीर में भी उतना ही फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर रोजाना सेवन करने से बवासीर ठीक होता है। इसके सेवन से शरीर का बढ़ा हुआ पित्त दूर हो जाता है और कमजोर लीवर मजबूत बनता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों की कमजोरी दूर करता है। दोस्तों, इस पौधे के पंचा का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांत मजबूत बनते हैं। इसके पक्के फलों में विटामिन सी पाया जाता है। इसका रोजाना सेवन करने से आंखों की दृष्टि बढ़ती है। इसके फल जब पक जाए तब इकट्ठा करके इसका चूर्ण बनाकर अपने पास रखें और जरूरत में इसका इस्तेमाल करें। इसके ये फल खांसी और श्वास में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके चूर्ण का 1-2 चम्मच की मात्रा में पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से श्वास में अधिक फायदा होता है। इसके साथ ही इससे खांसी और हिचकी मिटती है। रसभरी का पौधा डायबिटीज में रामबाण की तरह काम करता है। डायबिटीज में इसके फलों की 1 चम्मच की मात्रा में फंकी लेने से या इसका काढ़ा बनाकर नित्य सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा इस पूरे पौधे के पंचांग को पानी में उबालकर सेवन करने से भी डायबिटीज कंट्रोल में हो जाता है।
दोस्तों ये त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को सफ़ेद दाग हो गया हो ऐसे लोगों को इसकी पत्तियों का लेप बनाकर रोजाना लगाना चाहिए, इससे बहुत जल्द ही फायदा महसूस होता है। दोस्तों ये पौधा शरीर की दोनों प्रकार की सूजन को दूर करता है। अगर शरीर में भीतरी सूजन हो तो इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर रोजाना सेवन करें, इससे शरीर की अंदर की सूजन दूर हो जाती है। इसके अलावा शरीर के बाहर के हिस्से में किसी भी प्रकार की सूजन हो तो इसकी पत्तियों का लेप बनाकर उस स्थान पर रोजाना लगाएं, इससे सूजन धीरे धीरे बिखर जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।